नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ राज ऋषि जी है और उनके पिताजी है। राज ऋषि जी, आपका क्या हुआ था सबसे पहले बताइए। सर, मेरा 10 महीने पहले पटेला फ्रैक्चर हुआ था। कैसे हुआ था पटेला फ्रैक्चर? बाइक एक्सीडेंट हुआ था सर। हाँ, तो कैसा मतलब पटेला? बहुत मेरे को जिसने बताया, जिन्होंने ऑपरेशन किया था, कि बहुत ज्यादा चूरे थे फ्रैक्चर्स के, कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था। बट वो हड्डियों को अच्छे से उन्होंने फिट कर दिया, वायर वगैरह लगा के, और वो हड्डी सेट हो गई, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था उसके बाद? सर, हड्डी तो सेट हुए, पर क्या है, फिर नी बेंडिंग इशू आने लग गए। हाँ, पैर मुड़ नहीं रहा था। क्योंकि अब वो जो पहला सर्जन है, अगर पटेला कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जब पटेला फ्रैक्चर होकर हड्डी हम लगा देते हैं उसको, तो हम कहते हैं कि भाई यार, ये हड्डी जो है उसको सेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको पहले मोड़ दिया तो हड्डी सब खुल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई एक बार हड्डी जुड़ जाए। वो जुड़ने में 1.5-2 महीना तो लगेगा ही। 1.5-2 महीने तक जब हम उसको रख देते हैं, तो घुटना क्या हो जाता है, सब मांसपेशियां एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। अब हम क्या है, इस साइड तो खाई है और इस साइड कुआ है, कहाँ जाए, है ना, कहीं ना कहीं तो गिरने वाला है। तो हड्डी जो है वो सेट होना बहुत जरूरी है। अगर हड्डी सेट नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, है ना। तो आपकी हड्डी सेट हो गई, आपने चलना शुरू कर दिया, आपका दर्द दर्द कम हो गया, बट आपका घुटना बेंड नहीं हुआ, है ना। कितना डिग्री मुड़ रहा था? अप्रोक्स 30 डिग्री, 20-30 डिग्री मुड़ रहा था। उसके बाद में फिजियो कराया आपने? फिजियो कराया, रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर आप मेरे को पहले भी मिले थे एक बार, तो हमने डिस्कशन भी किया था कि काफी कॉम्प्लिकेटेड केस, तो फ्रैक्चर के हिसाब से भी है, और मसल्स की जो क्वालिटी है, जो मसल्स की टाइटनेस है, जो स्टिफनेस है, वो इतनी कड़क है कि ये मुड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर भी हमने चैलेंज लिया, है ना, और आपका ऑपरेशन किया। तो कितने दिन हो गए आज ऑपरेशन करके? आज तीसरा दिन है। तो 2 दिन पहले जब आपका ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम पे ऑपरेशन आपने खुद देखा? जी सर। कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था ऑपरेशन में, वो बताइए। सर, ऑपरेशन में कैमरे के थ्रू आपने जो भी मतलब जो भी अंदर किया था, वो सब आपने दिखाया था। हाँ, कैसे थे आपके चिपकावट, कैसी थी? बिल्कुल पैर चिपका हुआ था, पूरा चिपका हुआ था सब जगह पे। और हम जब सफाई कर रहे थे, तब मैं आपसे बातें भी कर रहा था। क्या बातें कर रहा था मैं आपसे, क्या बोल रहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे मेरे? सर, वो ही बता रहे थे कि जो तेरा हालत है जो उठने की, वो काफी वो है, फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट, जो भी है अच्छा। तो आपको पॉजिटिव मिल रहा था वहां पे, है ना, कभी आपने ऐसे नेगेटिव थोड़ी फील कराया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। आपने बिल्कुल कंफर्ट में रखा था कि वो नहीं हो ज्यादा, गाने सुन रहे थे आराम से। और बेसिकली इनकी जो चिपकावट थी पूरी, बेसिकली पटेला तो था ही, बट ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक ऊपर तक, जो पटेला के ऊपर क्वाड्रिसेप से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई थी। तो हमने उसको, और वो भी पत्थर जैसे एडेशन, ऐसे भी नहीं कि भाई छोटे से पतले से सॉफ्ट एडेशन से ऐसे करके निकल जाए, एकदम कड़क, एकदम कड़क। तो उसको अंदर से ऐसे, जैसे हम नारियल को छीलते हैं, वैसे हमने एक एक करके एक एक लेयर को छील रहे हर जगह से, इधर से उधर से। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज तक मैं जो अनवेंचर्ड एरियाज है, इस इतनी जगह पे मैं कभी पहुंचा ही नहीं हूँ, उतनी जगह पे पहुंच पहुंच के मैंने इसकी सफाई की आज, है ना। तो इतने कड़क कड़क एडेशंस को हर जगह जाके सफाई करने के बाद में फिर हमने इसका मोड़ने का प्रयास किया। तो एक बार तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था ऑपरेशन के टाइम पे कि ये मुड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना टाइट है, इतना कड़क है, ये मुड़ने का सवाल मुश्किल लग रहा है। बट जब हमने फिर इसको मोड़ा, तभी मुड़ा। और कितना मुड़ा आपका फिर? 30 डिग्री ऑपरेशन से पहले था। फिर कितना हुआ ऑपरेशन के बाद? 140-150 डिग्री पूरा मुड़ा आपका, है ना। अब आपका तीसरा दिन है। अब आपका जो घुटना है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप दिखाओगे तो नॉर्मली आपका वो वाला पैर दिखाइए, है ना, ये आपका 70-80 डिग्री है ना। इसको सीधा करो पैर को, वो वाले पैर को, है ना, मोड़ो उसको। अब ये वाला पैर सीधा करो, करो सीधा, वेरी गुड। अब इसको मोड़ो, मोड़ो आगे आओ थोड़ा सा और, है ना, आओ मोड़ो, ट्राई करो कितना मुड़ेगा आपका, और मोड़ो, 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 दबाओ आगे दूसरे पैर से, दबाओ धीरे धीरे मोड़ो, है ना। तो ये अराउंड अबाउट 80-90 डिग्री तो फ्री जा रहा है आपका, है ना। तो इतना कभी आया था आपका?
कभी भी नहीं आया है ना, ये आपका फ्री जा रहा है ना, खड़े होके दिखाओ मुझे, खड़े होके दिखाओ, चल के दिखाओ उधर से इधर तक, हाँ चल के दिखाओ, आओ आराम से, कोई दर्द कोई प्रॉब्लम चलने में कोई दिक्कत कि भाई हड्डी टूट गई है ऑपरेशन के बाद में, या हमने आपके घुटने को बांध दिया है कोई चीज से, ऐसा कुछ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, है ना, तो कंफर्टेबल है एकदम ही, है ना। कल सीपीएम किया था उसमें आपका 120 डिग्री पूरा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बेसिकली अच्छा रिजल्ट है, पर अब और मेहनत करनी है ताकि अपना जो 130 है 140 है, मैं तो चाहूंगा कि पूरा मुड़ जाए, और होपफुली मेरे पेशेंट्स जो एक साल बाद, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो मेरे पुराने केसेस ऑपरेट किए हुए थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये वापस से सर जाम हो जाता है ऑपरेशन, क्योंकि ये 90 डिग्री जो आ गया है आपका, ये नहीं जाएगा, ये तो आ गया, क्यों, क्योंकि ये फ्री मूवमेंट है, पेन नहीं है आपका, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्यों जाएगा, ये जाने का तो सवाल है नहीं। अब इसके ऊपर कितना आएगा ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर कितना आएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत के ऊपर, क्योंकि ये मसल्स जो है वो 10 महीने से इतने चिपके हुए हैं, ये वापस से उस जगह पे चिपकने का पूरा कोशिश करेंगे, अब आपकी मेहनत से उसको चिपकने नहीं देना है। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर जबरदस्त वाला काम नहीं होगा, है ना, अगर आप जोर जबरदस्त से बोलोगे कि भाई यार इसको पढ़ाई कराओ, तो ये कभी पढ़ेगा नहीं, समझिए, तो इसमें अगर आपने जोर जोर से दबाया इसको और इसको टाइट लेके भाई मैं मोड़ मारूंगा किसी से, तो इसमें क्या होगा कि कोई चीज और फटेगी, सूजन आएगी और ये मुड़ेगा नहीं, तो जोर जबरदस्ती से काम नहीं होगा, खुद के पेन के सेंस से, तो वो भी हमने आपको दिखाया कि भाई आपको खुद बैठना है खुद के पेन से हिसाब से, है ना, मैं तो चाहूंगा कि दिन में आप 5 डिग्री मोड़ो और वो 5 डिग्री रहे, समझो आज आपने 15 डिग्री मोड़ा, कितना डिग्री, 15 डिग्री मोड़ा, और वो कल आपका सिर्फ 4 डिग्री या 5 डिग्री रहा, 10 डिग्री 15 डिग्री नहीं मोड़ा, ठीक है, पर वो 5 डिग्री आ गया, तो वो आपको धीरे धीरे अगर आप करोगे तो अराउंड अबाउट आपका 20 दिन में या 1 महीने में ये 120 या 130 तक होने का संभावना है, और उसके बाद फिर जिम जाना या खुद से उपड़ू बैठना या नीचे बैठना, ये जो बेंडिंग वाली एक्सरसाइजेस खुद से जब आप करते रहोगे तो आएगा, पर छोड़ना नहीं है, 6 महीने 9 महीने तक आपको रोज दिन में 2-3 बार करनी है, 2 बार तो मिनिमम होनी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तभी आएगी जब इसमें रिपीटेशंस होगी, जब तक आप इसके रिपीटेशंस नहीं करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, समझ आ गई मेरी क्या बताना चाहोगे। बेसिकली अभी तो ये आपने भी यूट्यूब से देखा था और बाकी लोग यूट्यूब से ही देख रहे हैं, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं कि भाई अपन जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो आ जाए, जिसको प्रॉब्लम है तो मैसेज कर ही रहे हैं वैसे, बट फिर भी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या बताओगे पेशेंट्स को, आपको क्या बताना है उनको। एक्सपीरियंस सर ये है, जब आपसे मिला था मैं, आपने जो भी सर्जरी को लेकर कॉम्प्लिकेशन थी, जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे, बच्चे से क्लैरिफाई किए थे, कंफर्ट जोन में रखा था आपने, और जो भी बातें थी आपने ठीक ठीक बताई थी जैसा होना था, और आपने जो बताया था ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट है वो ही सब कुछ बता रहा है वैसे तो। बेसिकली ट्रस्ट एक आ जाता है पेशेंट्स का, वी ट्रस्ट जिसे भी अपन ऑपरेट करने जा रहे हैं वो इंसान भरोसे लायक है या नहीं है, है ना, और फिर जब हो जाता है, बढ़िया हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ना, तो आप खुश है सर। डॉक्टर सचिन सर जैन जी का व्यवहार और सौम्यताशीलता हमने देखी और हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से मुझे ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, चल नमस्कार।